सिर्फ एक बोतल के ढक्कन से ऐसा इन्वेंशन तो आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा। ढक्कन लेकर इसके साइड में किसी भी चीज की मदद से चार होल कर लेना और चार ऐसी दो दो रुपए वाली LEDs ले लेनी। इन चारों LEDs को ढक्कन के अंदर की तरफ से चारों होल्स में डाल देना और स्क्रू ड्राइवर या किसी भी चीज की मदद से इनके सारे टर्मिनल्स को आपस में इस तरह से अटैच कर लेना। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा और चाकू की मदद से इसके ऊपर वाली साइड एक रेक्टेंगुलर शेप का कट लगा और एक किसी भी पुरानी पेन ड्राइव या कार्ड रीडर का इस तरह का आगे वाला पार्ट निकाल लेना और इसके दोनों टर्मिनल्स पर वायर्स को अटैच कर इसे ढक्कन के बीच में कुछ इस तरह से फिट करके ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका देना और चार ऐसी ग्लू स्टिक्स ले लेनी है जो आपको स्टेशनरी पे बहुत सस्ती मिल जाएगी। इसके ऊपर इस तरह से होल करके एलईडी पर चिपका देनी। बिल्कुल इसी तरह बाकी की ग्लू स्टिक्स को भी एलईडी पर फ्लावर शेप में चिपका लें। और अब बारी है इसे टेस्ट करने की। पुराना बल्ब फेंकने की बजाय ये इन्वेंशन कर लो जो आपकी पूरी लाइफ काम आने वाली। इसके लिए आपने किस तरह की 2 रुपए वाली छोटी एलईडी ले लेनी और इस पर दो वायर्स के टुकड़ों को अटैच कर लेना और एक ऐसा एयर पंप ले लेना जो 10-15 रुपए का आपको इजीली इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाए। उस एलईडी को इस एयर पंप के दोनों टर्मिनल्स के साथ अटैच कर लेना। ये कुछ ऐसा दिखने लगे और एक किसी भी तरह का बोतल का ढक्कन लेकर इसके ऊपर दो छोटे होल कर लेना और इस तरह से एलईडी और एयर पंप को इसके अंदर डाल दे और एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा काटकर एक खाली पैन पर इस तरह से चढ़ाकर धागे की मदद से अच्छे से बांध लेना और चाकू की मदद से पैन का इतना हिस्सा काट लेना और इसे ग्लू की मदद से एयर पंप के ऊपर ऐसे फिट कर दे और एक ऐसी चार्जर की पुरानी वायर लेकर इसे ढक्कन के साइड में होल कर इसे अंदर डाल दे और इसे भी मोटर के दोनों टर्मिनल्स के साथ अटैच कर ले। अब एक ऐसा खराब बल्ब लेकर इसे अंदर से खाली करके इसे पूरा ऊपर तक पानी से भर ले और इस पर ग्लू लगाकर ढक्कन को इस पर चिपका दे और वायर लगाने पर ये कुछ ऐसे काम करेगा।